दोस्तों से एक बार गौर करते हैं, शांति कोई दरिंदों ने मार डाला। और ये देखिए उसका प्रेमी आज उसके प्यार में किस तरह से तड़प तड़प कर परेशान है, और शांति की लाश में आग लगा देने के बाद उसकी आत्मा प्रेत आत्मा में समा जाती है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। शायद मैं ये करिश्मा देखने से पहले अगर हमारे साहब हो
परिंदों को जरूर कानून के हवाले कर देते। ठीक है, आज इसका बदला किसी ना किसी दिन जरूर तुमसे लूंगा। यह हवलदार चुप क्यों है? तुम लोगों की बातों को देखता करते रहो, अभी देखेंगे आगे तुम और क्या करोगे। जी तब से एक बार आराम नहीं मिलता है, कहीं इधर कहीं उधर ड्यूटी पर हमेशा तैनात रहते हैं। जी देखो बहुत कायदे से काम कर रहा है, क्योंकि इस विल्टर मोड का जी आने वाली है। ठीक है, Thank you.
सामने सदा नमस्कार सदा Thank you.
लगता है बहुत दूर से आ रही हो। अब यूँ ना पूछो कहाँ से आई है, यदि परेशान भी हो गई होगी। हाँ साहब, गंगरेला से पैदल आए हैं साहब। हाँ ओ साहब, यहाँ हम आए हैं ये वजह से वो हमारा पति है ना साहब, वो मर गए हैं। तुम्हारा पति? हाँ मर खत्म हो गया। हाँ तो हमारा देवर है ना। अच्छा वो साहब, वो हमका बदनियत देखा था। हाँ? ओ साला कैसा तेरा देवर है, तुझे छेड़ता है। अब का बताई साहब, उसे शर्म नहीं आई? अब भाग आए हैं ये गंगरेला महान भैया के। और वही रहोगी तुम? वही? हाँ वही रह रही हो तो वही रहोगी। साहब हुआ कब तक रही मैं? जन्म ठीक है, तेरा देवर बहुत परेशान तुझे करता है। हाँ, अब तू मेरे पास आ गई, अब डरना नहीं, बैठ जाओ। बैठ जाए साहब। क्यों ना तेरा देवर तुझ पर दीवाना हो जाए, ऐसा मुझे लगता है कि उस मालिक ने खुद अपने हाथों से बनाया। क्या बात है, कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे साहब एक बात कहीं बुरा ना लगे तो बोलो बोलो। वैसे साहब तुम वो जमा था मेरी तारीफ? हाँ मेरी डिजाइन देखो। हाँ अरे मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ। नहीं साहब हमका पैसे का ना मतलब नहीं, हमका मुंह से मतलब। नहीं नहीं मैं पैसा वाला हूँ। वैसे साहब भगवान तुम्हारा मुंह बना। और ईमानदारी में तो